कैप्टन जोया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान बशीर साहब, ये कारोबार करते हैं साइलेज बनाने का, इनकी अपनी साइलेज बनाने की मशीनें हैं। आज इनका इंटरव्यू शूट करते हैं और आप दोस्तों को बताने की कोशिश करते हैं कि साइलेज कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर साइलेज बना के देने का बिज़नेस करना हो तो ये मशीन कहाँ से मिलती है, उसकी प्राइस क्या है, लवाजमात क्या है, उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कैसे होती है, उसकी टोटल अखराजात कितने हैं, नफ़ा और नुकसान के पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह आप दोस्तों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई जान? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। रिजवान भाई, आप बड़े अरसे से साइलेज बना के दे रहे हैं लोगों को, सबसे पहले तो आप अपना तारफ करवाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी, मैं गुजरामला से बिलोंग करता हूँ। सही, ठीक है। और हम कम अज़ कम, मुझे कोई इस बिजनेस में कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए साइलेज का। ठीक है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साइलेज में काम में जब से मैं पढ़ा हूँ, मेरा किसी भी और काम करने को दिल नहीं करता। दिल नहीं करता, और इसलिए नहीं करता कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास इनकम हो, बिल्कुल मेरे पास प्रॉफिट आए, मैं अच्छे अपना लेवल अच्छा करूँ, मेरे ज़िंदगी अच्छा करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, आपके पास कितनी मशीनें हैं? देखिए, मशीनें आप बहुत बना सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बात बता रहा हूं। हाँ। कि मशीनें हम बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, असल काम है उनको चलाना। ठीक है, मशीन अगर आप बेस्ट सर्विस नहीं दे सकते जब तक, तब आप 10 भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो लेने की, मेरी बात मान के वो ना ले। आपके पास सर्विस अच्छी होनी चाहिए, बेशक वो एक ही मशीन से क्यों ना दे। ठीक है, एक ही मशीन रख के आप लोगों को अच्छी सर्विस दे दें तो वो ही सबसे बेहतर होगा, बजाय कि आप 10 मशीनें रख के लोगों को बुरी सर्विस से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और हमारे पास अभी जो मशीनें हैं वो कम से कम 4 मशीनें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और हर बंदा हमारी सर्विस से खुश है। जी, मुख्तलिफ मॉडल की मशीनें होंगी हमारे पास? मुख्तलिफ मॉडल की मशीनें हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने जैसा कि पहले बताया कि 10 से 12 साल में मैं इस काम में हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला कि कौन सी मशीनें जो पाकिस्तान में अच्छी चल सकती हैं, पाकिस्तान के नॉलेज के हिसाब से, यहाँ पे जितना नॉलेज है लोगों को मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, जैसी हमारे यहाँ पे फील्ड हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो मशीनें अच्छी चल सकती हैं वो मशीन है क्लास मशीन है। उसमें जो मुख्तलिफ मॉडल आ जाते, उसमें बहुत हाई मॉडल्स भी हैं, लेकिन उसको हम अगर अपनी पाकिस्तान की मतलब के पढ़े लिखे की बात करें कि जितना हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से जो 2000 मॉडल है ना, 2000 से लेके 2003 तक जो मॉडल्स हैं वो बेस्ट मॉडल है पाकिस्तान के चलने के हिसाब से। ये मशीनें पाकिस्तान में बनती हैं या इम्पोर्टेड हैं? देखिए, ये मशीनें जो पाकिस्तान में नहीं बनती, ठीक है, इवन के यहाँ पे हमारी वो, मैं पहले भी बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं है कि हम उस चीज़ को बना सकें। बहुत कम महदूद हद तक है, जैसे ये क्रोला वगैरह अपनी कर रहे हैं, मतलब के सारी असम्बलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को मंगवा के यहाँ पे बनाए, हमें तो कम अज़ कम वो वाली मशीनरी लाते हुए उसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम ये बाहर से बनी बनाई ले के आते हैं ताकि लोगों को यहाँ पे जो सर्विसेज वगैरह फ्राम कर सके। और ये बाहर की और जर्मन की मेड है, ठीक है, और जर्मन से भी मिल जाती, इटली से भी मिल जाती, फ्रांस से भी मिल जाती है, हॉलैंड से भी मिल जाती। इन शॉर्ट, जहाँ से आपको अच्छी कंसाइनमेंट मिले, इंटरनेट पे है ये मशीनें, जहाँ से आपको अच्छी कंसाइनमेंट मिलती है आप अपना किसी भी इम्पोर्टर से कह के वो मशीन इम्पोर्ट कर लें ताकि आपका बिजनेस चला सके। आप मशीनें बेचते भी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मशीनों के साथ साथ चलाने के साथ साथ बेचते भी हैं। मशीन क्लास 2000, इसकी प्राइस एस्टिमेटेड थोड़ा प्लस माइनस मार्केट के हिसाब से कितनी? जो प्लस माइनस मार्केट के हिसाब से है ये कम से कम आपको 81 लाख में विद इसके हेडर के साथ मिल जाती है, जिसके आगे हेडर लगा होता है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है आगे वो चीज़ें, लेकिन जो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने में हेडर जो है ना वो जो आगे लगा होता है उसके जो काटता है मकई वगैरह जो भी चीज़ आपने काटनी है वो कम अज़ कम 80 लाख में ये यूनिट बन जाता है मुकम्मल। हाँ, विद ट्रॉलीज, विद मशीन,
मतलब कि इसको 80 लाख में आप रनिंग में रन कर सकते हैं अगर आपने अच्छी सर्विस देनी है। एक मशीन, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने अच्छी सर्विस अच्छी देनी है। एक मशीन, एक हेडर, साथ में कितनी ट्रॉलियां? दो ट्रॉलियां बना सकते हैं इसमें, जैक वाली ट्रॉलियां। जैसा कि आपने शामिल है इसमें? नहीं, ट्रैक्टर नहीं शामिल। अच्छा, ट्रैक्टर की वो अलग कॉस्ट है। वो तो आप क्या करते हैं, वो अगर तो वो आप कॉस्ट अंदर शामिल करते हैं तो वो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ट्रैक्टर हमें रेंट आउट मिल जाते हैं, रेंट में मिल जाते हैं। आप रेंट से कहीं से पकड़ के ठीक है, अपनी ट्रालियों का आगे माउंट करके ये आप बिजनेस चला सकते हैं। नहीं भी आप ट्रॉलियां बना सकते तो फार्मर्स के पास ट्रॉलीज होती है, ठीक है, ट्रैक्टर भी होते हैं, ट्रॉलीज भी होती है। वो जस्ट क्या करते हैं कि भाई मशीन हमें दे दें, हम क्या करेंगे कि ट्रॉलीज अपने साथ लगा लेंगे, ठीक, आप हमें सिर्फ मशीन दे दें, उसकी सर्विस दे दें, बाकी हम खुद कर लेंगे। जिसके पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं कर सकता, वो बेहतर है कि हम उसको रेंट आउट कर लें ट्रैक्टर ट्रॉली को, या फिर फार्मर्स के ऊपर ही छोड़ दें कि भाई आप खुद ही ये अरेंज करें, हम जो है आपको ये सर्विस दे सकते हैं। और लोग इस तरह कर रहे हैं, चल रहा है काम इस तरह। ये मशीन चॉपर की बैक साइड पे हुक बनी होती है, ट्रॉली उसके साथ अटैच भी की जा सकती है। ये होता है कि जब आप पहला जब फील्ड स्क्वायर में है या जिस तरह भी फील्ड है, पहले उसकी चक्कर लगाने के लिए ठीक है, ट्रॉली ट्रैक्टर का रास्ता बनाने के लिए मशीन के पीछे ट्रैक्टर डालना पड़ता है या उसको माउंट पीछे करना पड़ता है, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली, ताकि पहला जब वो चक्कर लगा ले, जब ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता बन जाए, फिर उसकी जो मशीन की आउटपुट जहाँ से वो दे रहा है, वो आसानी से वो ट्रैक्टर उसके साथ चल जाता है। जैसा कि आपने पहले वीडियो बनाई और उसमें दिखाया, दो तीन मरतबा आपने सर्विस का जिक्र किया कि सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सर्विस में आप क्या चीजें काउंट करते हैं आपके बिजनेस में? देखें, अच्छी सर्विस में ये होना चाहिए कि जब आपने जो भी कमिटमेंट फार्मर के साथ की है, ठीक है, वो फार्मर के साथ वो कमिट पूरी करें, ठीक है, ठीक है, उसके साथ आपकी जो ये मैं आप चीज़ दिखा रहा हूँ कि चॉपिंग क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चॉपिंग क्वालिटी बनाने के लिए हमें पता है कि हमने किस तरह 6 महीने मेहनत की, ठीक है, और इसको मेंटेन रखने के लिए हमने कितना इसको मुश्किल से इस चीज़ को हासिल किए, ये चीज़ ठीक है। इस चीज को सबसे ज्यादा फार्मर मांगता ये चीज है कि मेरी ये चॉपिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जो दाना है वो क्रैक होना चाहिए, ठीक है। हर बंदा कह तो देता है बिल्कुल, लेकिन वो करता नहीं है, करता नहीं है, ठीक है। इसको हम ये एक तो ये चीज आ जाती है, दूसरा ये कि बेहतर गाइड किया जाए फार्मर को कि भाई ये अभी ये फसल इस स्टेज पे है कि नहीं है, कि इसको काटी जाए कि ना काटी जाए। सही, हम अपने मुफाद के लिए ना करें कि यार हमें यहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो हम इसको काट दें। सही, ये इस तरह ना करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि मशीनरी खराब होती है जी, मैकेनिकल इश्यूज, मैकेनिकल इश्यूज आते रहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना कम से कम टाइम में, ये सबसे जरूरी बात है हमारे इस फील्ड में, ठीक। अगर आपके पास कोई मैकेनिकल नॉलेज नहीं है या कोई मैकेनिक, मैं सबसे ज्यादा बंदे को यही सबको कहता हूँ कि अगर आपके पास मैकेनिकल नॉलेज नहीं है या फिर मैकेनिकल का कोई अच्छा बंदा नहीं है तो मेरी तरफ से या कोई भी आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करेगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। आप मैकेनिकल को खुद समझते हैं या आपने बंदा हायर किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मैकेनिकल को खुद समझता हूँ, मैंने अपने वाले साहब से ये सारा काम सीखा हुआ है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज मैं ये सारा काम चला रहा हूँ। और मुझे किसी की ये है कि मैंने अपने ही वर्कशॉप वगैरह बनाई हुई है। कहाँ पे? मतलब कि हम आरिफ वाला बनाई हुई है। अच्छा, आरिफ वाला, ठीक है। आरिफ वाला किस जगह? आरिफ वाला 6 किलोमीटर भावल नगर रोड पे। भावल नगर रोड पे, किस नाम से? ये है एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से। एग्री कॉम्प्लेक्स जी, उस पे इन्हीं मशीनों का काम करते हैं या बाकी और काम? नहीं, देखें, यही तो मैं आपसे बात सर्विस की पहले जब बात की, कि जब आप मुख्तलिफ बातों में अपना हाथ डालेंगे ना, तब आप कंसंट्रेट नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, ऐसे ही है। जब आप क्या करेंगे कि मैं दूसरा भी काम शुरू कर लूं, तीसरा भी शुरू कर लूं, तब आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि आप एक ही काम में रखें। इसलिए मैं फार्मर्स को भी ये कहता हूँ कि साइलेज बनाना हमारी ड्यूटी है, आपका फार्म चलाना ड्यूटी है। बिल्कुल, जब आप साइलेज भी खुद बनाएंगे, फार्म भी चलाएंगे खुद, तो फिर आप नहीं कर सकते काम। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। किसी एक चीज में मार खा जाएंगे, या फार्म में मार खा जाएंगे या साइलेज में। अभी साथ ये साइलेज एक बना पड़ा हुआ है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान। मैंने ये जो पहले बना ना, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, हाँ जी, वो मैंने अपलोड की हुई है। ये बहुत मोटा है साइलेज, और वो साइलेज लगता ही नहीं है, वो तो बस ऐसे जैसे ना मकई को क्रश कर दिया हो। मैं आपको ये चीज बताऊं कि साइलेज होता है फोरेज करना, फोरेज करना, दलिया बनाना। आप ये देखें, बिल्कुल इस चीज को, हर चीज को फोरेज किया हुआ, इसने ऐसे श्रेडिंग की हुई बिल्कुल ऐसे, ताकि ये अच्छी तरह प्रेस हो जाए। ये देखें, आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये चीज क्वालिटी को मेंटेन करना
करना और मेंटेन करना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा रेट और अच्छा, अभी मुझे पता है जिस फार्मर का मैंने बनाया ये साइलेज, वो मैं 100% ये कह सकता हूँ वो नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूर ये कॉल करेगा कि दोबारा से हमारा ये साइलेज बनाया जाए ऐसे ही है। इसके पार्ट्स मिल जाते हैं इजीली? देखें, सबसे पहले मैकेनिकल में कोई भी चीज़ है ना, ये हमारी जो लाइन है इसमें क्या होता है कि हर चीज़ हाई स्पीड चल रही होती है, बिल्कुल हाई स्पीड चल रही होती है, जिसकी वजह से इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे वियर पार्ट्स होते हैं, जो घिसने वाले पार्ट होते हैं वो अंदर वियर हो रहे होते हैं, वो तो आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी कोई चीज़ की अगर केयर ना करेंगे वो आपको नुकसान देगी। बिल्कुल देगी। जब वो नुकसान देती है फिर वो पार्ट्स वगैरह यहाँ से आपको अवेल करना मुश्किल हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, बाय एयर बाय हर चीज़ मंगवा के फिर आपको यहाँ पे असम्बल करना पड़ता है, ठीक है। मेरा कहना यह है कि जब इसको लें, एक जिम्मेदार बंदा इसके ऊपर स्पेशल एक जिम्मेदार अलग से छोड़ा जाए जो इसकी सिर्फ केयर, ऑयल, लुब्रिकेशन, ग्रीजिंग, ठीक है, और इसका वाटर वगैरह हर चीज पूरा रखे ताकि मशीन जो है ना वो खुश रहे और ठीक काम करे। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक बंदा रखता हूँ, जाहिर उसको इस काम की हाव ना हो तो रखना चाहिए, एस्टिमेटेड इस तरह का बंदा मशीन ऑपरेट करने के लिए, ये सारी चीजें केयर करने के लिए कितनी सैलरी पे अवेलेबल हो जाता है? देखिए सर, अभी तो जे कुछ इस तरह का बंदा आपको इसके लिए बंदा कुछ ढूंढना चाहिए जो इनिशिएटिव हो, जो जरा थोड़ा इस मामले में दिलचस्पी इंटरेस्ट रखता हो। बिल्कुल जाहिर है, वो तो बंदा तो ऐसा ही होना चाहिए। वो बंदा आपको लो कास्ट में भी मिल जाएगा और आपकी मशीनें की अच्छी भी देखभाल करेगा। उसको थोड़ा सा ये है कि आप भी उसके साथ सिंसियर चले कि यार ये सीख जाओगे, ये कर जाओगे, तुम्हारा नाम बन जाएगा, तुम आगे फॉरवर्ड हो जाओगे, तुम्हें लोग और लेने के लिए आएंगे, तुम्हारा कामयाब ये हर चीज उसको फिर आपको देख के एक बंदे को सिखाएंगे और बंदा आपको मिल जाएगा और बंदा मिल जाएगा। ये आपको सैलरी जो आपका जो कम से कम जो बंदा जो सैलरी ये वाला मशीन चला सकता है, जो अगर एक्सपीरियंस की तरफ आए तो 30, 35, 25, 35 अपने अपने एक्सपीरियंस पे और जितना लोगों को पता, लेकिन जो ये मशीन चला सकता है केयर भी कर सकता है वो कम से कम आपको 30 से अबव ही अवेल हो सकता है बंदा, इससे कम नहीं। अगर इससे कम करेंगे नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह मशीन को कैरी करने के लिए, जैसे अभी आप आरफ वाला से खानेवाल आए हैं, बड़ा सफर तय करके आए हैं आप, तो क्या मशीन इतना सफर रोड पे तय करती है? देखिए आपके ये है कि कुछ इस तरह से लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं, फार्मर को टाइम दिया हुआ है लेकिन जिसके ऊपर मशीन लेके आनी है लोड करके वो अभी अवेलेबल नहीं। फिर आप क्या करते हैं, रिस्क ले लेते हैं मशीन को बाय रोड लेके आने में, सही, ठीक है। मेरा मानना यह है कि इसकी रोड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वियर टियर होती है जिसकी वजह से इसको लोड करके लेके आना चाहिए, यानी किसी गाड़ी के ऊपर लोड करके ट्रॉले मिल जाते हैं जो 10 फुट चौड़े होते हैं और 20-25 फुट लंबे होते हैं, उसके ऊपर ये आसानी से लोड हो जाती है। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। आपका एक फेसबुक पेज भी तो है? मेरा फेसबुक पेज है एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से। हाँ जी, एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से हर चीज ये चेक कर सकते हैं मशीनें किस तरह चलती हैं, कैसे चलाई जाती हैं, और उसमें पार्ट्स वगैरह भी। पहले पहले जब हमने स्टार्ट किया ये बिजनेस, हमें पता है कि हमें किस तरह मुश्किल एक एक एकड़ काटने के लिए जाना पड़ा, और जो भी मशीन हम सेल करते थे उसकी 1 ईयर वारंटी देते थे और आफ्टर सेल सर्विस देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बेशक हमें यहाँ से जाना पड़े सखर क्यों ना जाना पड़े। ये सारा साल चलने वाला बिजनेस रिजॉर्ट में? देखिए अभी ये कम से कम इसका जो रेस्ट मूड आता है इसका सिर्फ 2 से 3 माह आता है, बल्कि वो भी आप मुश्किल से कह सकते हैं। सही। पहला आपका आ जाता है ओट का, यानी कि जवी का, फिर साथ में गंदम शुरू हो जाती है, फिर साथ में शोरगम या फिर जवार या बाजरा शुरू हो जाता है, फिर साथ में मक्की शुरू हो जाती है, फिर जब उसको काटते हैं फिर साथ में मक्की, यानी कि ये मक्की जो होती है ना, मकई कॉर्न जो है, हाँ, ये पूरा साल ही चलती रहती है, लोग 3-3 फसल भी लेते हैं, लेकिन मकई पहले, मक्की से पहले जवी आ जाती है, फिर कनोला भी आ जाता है, फिर गंदम भी आ जाती है, फिर जवार बाजरा, फिर इस तरह पूरा साल ये आपके जिस तरह कस्टमर ज्यादा होते जाएंगे आपको पूरे साल रेस्ट मोड नहीं होगा, आपको खुद अपने लिए रेस्ट मोड लेके आना पड़ेगा कि हमने इस मशीन को रिपेयर भी करना। हाँ, ये मकई का तो ये बना देता है साइलेज, ये जवी वगैरह और ये गंदम वगैरह इसके लिए इसका क्या प्रॉब्लम? ये है फोरेज हार्वेस्टर, यानी कि दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि साइलेज मशीन साइलेज ही बनाना है इसने हर चीज का, जो भी आप इससे बनाओ, जिसका साइलेज बनता है उसका इसने साइलेज ही बनाना है, मतलब के किसी भी ग्रीन फूडर का आप साइलेज बना सकते हैं, ठीक है, मतलब के अगर आप गंदम का कहते हैं उसका 32
32% मॉइस्चर पे आपका ड्राई मैटर पे बनाते हैं साइलेज बनाते हैं, इसका भी 32 ड्राई मैटर पे बनाते हैं साइलेज, ठीक है। इस तरह करके दूसरी फसलें उसकी भी इसी तरह जिस चीज का साइलेज बन सकता है वो ये साइलेज बनाएगी और उसका कोई भी अमल दखल नहीं। एक एकड़ का कितना चार्ज करते हैं? देखिए एक एकड़ का हम पूरी सर्विस दे के, मतलब कि हमारे पास 4 ट्रॉलीज हैं, 4 ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, एक मशीन है, हम जहाँ पे जाते हैं हमारा डीजल अपना होता है, आने जाने का जो खर्चा है वो फार्मर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितना है, अगर वो 10-15 किलोमीटर के रेडियस में हो फिर हम क्या करते हैं उसे आने जाने का खर्चा नहीं लेते, अगर वो हो 100 किलोमीटर पे फिर एक साइड का फ्रेट चार्जेस फार्मर पे होते हैं, 15,000 रुपया पर एकड़ होता है, इसमें डीजल भी इंक्लूड होता है। एक दिन में कितना आप ये बना देते हैं साइलेज? देखिए मैं फिर वहीं से दोबारा बात से स्टार्ट शुरू करूंगा, इसलिए कि हमारी यहाँ पे फील्ड उस तरह की होती है, कई इलाकों में जाते हैं जहाँ पे 20-25 एकड़ का एक प्लॉट होता है, बिल्कुल ऐसे कि मशीन इधर से गई उधर से टर्न लिया, एक ही प्लॉट में सारा दिन लगी रही, वो एक प्लॉट 25 एकड़ का खत्म कर देती एक दिन में। लेकिन कई जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे 1.5 एकड़ एक जगह पे या 2 एकड़ एक जगह पे, वो सारा दिन में हम 5 एकड़ नहीं काट सकते। सही, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मशीन की ट्रैवलिंग, मशीन के जो चक्कर हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें, ये डिपेंड करता है हमारे फील्ड पे और फील्ड के लिहाज से ही रेट लेना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज? इसकी प्रॉफिट परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आप एक दिन में सुकून के साथ 50-60 हज़ार रुपया डेली कमा सकते हैं इसके साथ मैनेज मतलब करके। अगर आप एवरेज में चले जाएं तो आप 25-1 हज़ार रुपया तो लाजमी एक साल में कमा, मतलब एक दिन में कमा सकते हैं। नुकसानात? अच्छा सबसे पहले तो मुझे नुकसानात ही बताने चाहिए थे नुकसानात, बल्कि मैंने पहले बता दिया, किसी बंदे ने उसमें नोट किया हो, बिल्कुल बता दिए आपने। मेजर जो नुकसानात है उसमें ये है कि इसमें अवॉइड करे जो बंदा वगैरह इसके नज़दीक ना जाए, ठीक है क्योंकि इससे इंजरीज वगैरह काफ़ी हुई हैं। दूसरा लोहे की चीज़, वैसे तो मेटल डिटेक्टर इनके अंदर लगे होते हैं कि जो लोहे को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लोहे की चीज़ पास में अगर वो पास चली गई तो इसके ब्लेड वगैरह होते हैं, ब्लोअर होता है जो मतलब के जो चारे को बाहर निकालता है बहुत स्पीड वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह उसको दोबारा मेंटेन करना और उसको दोबारा से अपनी बैलेंसिंग पे लेके आना, अलाइनमेंट पे लेके आना खासा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो, ठीक है। और उस पे सबसे मेजर चीज वही होती है कि वो अच्छा खासा उसमें एक्सपेंस आ जाता है। दूसरा इसके टायर बचाने चाहिए, तीसरा इसकी लुब्रिकेशन जो है ना वो लाजमी टाइम से टाइम करने चाहिए इंजन पे भी, और दूसरी बाकी जो चीज़ें। आपका फोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है 0345-1473-1473-011-011 जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखिए, शाहिद हुसैन जोया रिजवान अख्तर के साथ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।